अच्छा, मेरे तो पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके कैसे हो रहे हैं? अच्छी बात है, आपके भी अच्छे हो रहे हैं। टीचर का फोन आ रहा है। अच्छा एक मिनट बंद करना, टीचर की कॉल आ रही है। जी टीचर। बेटा कल स्कूल की फीस ले आना, वरना मैं आपको क्लास में नहीं बैठने दूंगी। अच्छा टीचर, मैं मामा को कह दूंगी। हेलो, आप बोलो। इंग्लिश का पेपर? इंग्लिश का पेपर तो मेरा बहुत ही दिया था। अच्छा ओके ओके, मैं घर जाके कॉल करती हूँ। ये किसका पर्स है? यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। चलो मैं इसे खोल के देखती हूँ। इस पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे मैं कॉल करती हूँ। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो बाजी, मुझे रास्ते में एक पर्स मिला था। क्या पर्स? अरे मेरा पर्स कहाँ है? उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने उस नंबर पे कॉल की। क्या वो पर्स आपका है? हाँ वो मेरा ही पर्स है, लेकिन आपको मिला कहाँ से? जलील गार्डन के बैक साइड पे, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, जल्दी से आप आ जाए। जी जी ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। शुक्र है किसी अच्छी बच्ची के हाथ लग गया मेरा पर्स, वरना आज के दौर में कौन देता है किसी को पर्स। चलो जल्दी चलो। हाँ जल्दी। अभी तक आए नहीं, 5 मिनट का कहा था, 10 मिनट हो गए। अरे फोन आ रहा है, शायद आ गए। अरे ये तो मामा का फोन है। जी मामा बोले। बेटा कहाँ रह गई हो, अभी तक आई क्यों नहीं घर? मामा मैं रास्ते में हूँ, अभी आ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है ठीक है। लगता आ गई, लगता यही है। हाँ हाँ इशारे भी कर रही है, चलो जल्दी। बहना ये आपको पर्स कहाँ से मिला? ये पर्स तो इधर नीचे गिरा हुआ था, इसके अंदर नंबर लिखा हुआ था, मैंने आपको फोन लगा दिया। और ये ले आपका पर्स। शुक्रिया बहना। ओ इसके अंदर तो मेरा 1000 रुपया था, मेरा 1000 रुपया कहाँ गया? बाजी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था सिवाय नंबर के। झूठ बोल रही हो, इसके अंदर तो मेरा 1000 रुपया था। चुप करके निकाल दो, वरना बहुत बुरा होगा। सच्ची आप ही, मैंने इसमें से कोई पैसा नहीं निकाला। जल्दी से निकालो मेरे पैसे। रुको हाइड अपी, ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है कैसे मानेगी। अब निकालो पैसे। मैं कह रही हूँ मेरे पास नहीं है पैसे। नहीं है पैसे? अब ये तुम्हें मोबाइल तभी मिलेगा जब तुम मेरे 1000 रुपए लुटाओगी। चलो हटो मेरे रास्ते से। ओ मेरा गलती ही फोन करे, चोरी का इल्जाम भी मुझ पे लगा और मेरा फोन भी ले गए। मामा इंतजार कर रही है घर पे मेरा। ये तो अच्छा हुआ हाइदरपी हम उसका मोबाइल ले आए। चोर जो थी उसने मेरा 1000 रुपया जो निकाल लिया। हाँ। ओ पापा आप? हाँ बेटा कैसे हो, ठीक हो? बेटा मैं दवाई लेने गया था, आपके पर्स में से मैंने 1000 रुपया निकाला था दवाई के लिए। ओ पापा 1000 रुपया आपने निकाला था? तो आप सोई थी उस टाइम, मैंने आपको बताना भूल गया था। ठीक है तो मैं अभी ATM से निकाल के आपको दे देता हूँ। ठीक है, हमने फजूल में उस बच्ची को थप्पड़ मार दिया, आ हम उसका मोबाइल वापस करके आए। चलो जल्दी चलो, बच्ची ना चली गई हो। अभी मामा मेरे इंतजार कर रही होंगे, मैं कैसे घर जाऊं? बहना हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लो आपका मोबाइल। कोई बात नहीं आपी, मगर किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से कोई किसी की मदद नहीं करता। बच्ची ने बिल्कुल सही कहा था, हमें उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। हेलो फ्रेंड्स, मैं जलेबी इमरान फ्रॉम द वी फ्रेंड। आपको वीडियो कैसी लगी? जो चैनल में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।